अब हमारे पास ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी स्विच स्टेटमेंट्स पर ही है। इसमें भी हमें आउटपुट या तो एरर पता करना है। इसमें हमारे पास एक वेरिएबल है ए जिसकी वैल्यू है 10, बी वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 20। अब हमारे पास एक स्विच स्टेटमेंट है जिसमें हम पास कर रहे हैं एक्सप्रेशन की जगह पे वेरिएबल ए। फिर हमारे पास उसके केसेस हैं। पहले केस का नाम है 10 और अगर ये केस रन होता है, कंपाइल होता है, तो प्रिंट होगा प्रिंट एफ 1 और फिर ब्रेक लगा है। फाइन। दूसरा केस है हमारे पास केस 5+5 और अगर ये केस कंपाइल होता है तो उस केस में यहां पे प्रिंट होता है प्रिंट एफ 2 न्यू लाइन से 2 और फिर हमारे पास है ब्रेक स्टेटमेंट और ये हमारा स्विच स्टेटमेंट खत्म हो गया। अब ए की वैल्यू है यहां पर 10, सो हमारा यहां पर 10 से कंपेयर होंगे केसेस। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई है कि ये भी केस 10 है और इस एक्सप्रेशन का आंसर भी तो 10 ही आएगा, तो ये भी केस 10 है, तो ये तो एम्बिगस एरर हो गई। कंपाइलर जो है वो कंफ्यूज हो गया कि उसे केस 10 ये वाला प्रिंट करना है या केस ये वाला 10 प्रिंट करना है, 1 प्रिंट करना है, 2 प्रिंट करना है, तो ये एक एरर जनरेट हो गई और वो एरर हो गई डुप्लीकेट केस वैल्यूज अलाउड नहीं होती है स्विच में। हमने जब स्विच के फैक्ट्स पढ़े थे उसी टाइम हमने ये पढ़ा था कि डुप्लीकेट केस वैल्यूज कभी भी स्विच में एक्सेप्ट नहीं होती हैं। या तो इसकी वैल्यू 11 हो जानी थी या फिर 12-13 कुछ भी डिफरेंट वैल्यू हो जानी चाहिए थी केस की, या फिर ये केस अलग होना चाहिए था। सो इसका आंसर है एरर, डुप्लीकेट केस लेबल्स आर नॉट अलाउड इन स्विच स्टेटमेंट।